Good morning to all of you. I am going to tell you some words. Words are very special to speak what you have in your mind, what you have in your heart. And I am going to tell you one way by which you can make your vocabulary very strong. Here you can come. I am going to tell you एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग है शटर्ड. शटर्ड का मतलब होता है अंदर से टूट जाना. शटर्ड जैसे कोई चीज पूरी तरीके से अंदर से टूट गई हो उसको बोलते हैं शटर्ड. SHATTERED शटर्ड. अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है टेटर्ड. अब पहले क्या है कोई भी चीज है वो शटर्ड होती है. उसके बाद क्या है वो चीज टेटर्ड होती है. टेटर्ड का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज के. इट इज कॉल्ड द टेटर्ड. आफ्टर टेटर्ड जब नेक्स्ट कंडीशन आती है तो वो चीज होती है जब कोई चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है फिर वो चीज पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है यानी बिखर जाती है पूरी तरीके से कोई चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल शटर्ड पहले कोई चीज टूटी फिर टेटर्ड टुकड़ों में विभाजित हुई. आफ्टर दैट स्कैटर्ड. स्कैटर्ड कहते हैं बिखर गए. और आफ्टर दैट आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट वर्ड टू यू दैट इज कॉल्ड द टेदर्ड. टेदर्ड का मतलब होता है बांधे रहना किसी चीज को मजबूती से बांध देना. दैट इज कॉल्ड द टेदर्ड. अब हियर यू कैन कम इन द सेंटेंस आई एम राइटिंग फॉर यू. आई एम शटर्ड. मैं पूरी तरीके से अंदर से बिखर गया. शटर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से बिखर जाना. टेटर्ड टुकड़े टुकड़े हो गया. एंड स्कैटर्ड और स्कैटर्ड हो गया यानी बिखर गया. हियर यू कैन सी जस्ट अपोजिट द सीन इज देयर. यस एंड स्टिल आई एम टेदर्ड. टेदर्ड कहते हैं फिर भी क्या हुआ मैं शटर्ड हो गया टेटर्ड हो गया एंड स्कैटर्ड हो गया बिखर गया बट स्टिल आई एम टेदर्ड टू माई गोल्स. फिर भी मैं अपने गोल से बंधा हुआ हूं. इट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम लेवल पॉजिटिविटी. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी इफ यू वॉन्ट टू कीप योर वोकैब्स स्ट्रॉन्ग इफ यू वॉन्ट टू टेक पॉजिटिविटी देन यू शुड मेक सच काइंड ऑफ फॉर्मूला टू मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग. ओनली देन यू कैन मेक अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. तो ओके रिमेंबर दिस एंड रीड दिस. आई कीप गिविंग सच काइंड ऑफ टेक्निक टू यू टू लर्न मोर एंड मोर वोकैब्स टू यू. तो दैट्स ऑल आवर टुडे.